इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम पर आप कभी भी कोई सिचुएशन में आपका अकाउंट वगैरह में कोई इशू आता है, लॉगिन करते हैं, 6 डिजिट का कोड मंगाते हैं यूज़र नेम से, बट आपको ये जो है कोड आपको नहीं मिल पाता है 6 डिजिट का, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले 6 डिजिट का कोड जो ज़्यादातर जाता है वो ईमेल पर जाता है, तो जो आपने ईमेल डाला हो जिससे आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, वो ईमेल आपका लिखा हुआ होता है नीचे, आगे का एक वर्ड, पीछे का एक वर्ड, आपको दोनों दिखाते हैं। अब आपको खुद समझना पड़ेगा कि कौन सा मेल है, बट ये जो है ऐसा है कि ये रिसीव नहीं हो पा रहा है हमें, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको गूगल अकाउंट में इसको लॉगिन कर लेना होगा, ठीक है, और आपको जीमेल में यहाँ पर जाना होगा, ठीक है। जब जीमेल में आप जाएंगे तो ये आपको ऊपर ही वैसे मिल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, बट अगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो स्पैम फोल्डर में ये आपको ज़रूर मिल जाएगा। गलती से कोई डाल देता है स्पैम फोल्डर में तो ये आपको दिख जाता है, 30 दिन का जो है कोड दिख जाता है आराम से, बट यहाँ पर भी रिसीव नहीं होता है, ये रिसीव ही नहीं होता है हमें, तो हमें करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर में जाइए, इंस्टाग्राम को यहाँ पर सर्च करके अपडेट कर दीजिए, ठीक है, एंड उसके बाद जीमेल को सर्च करिए एंड इसको भी अपडेट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी में यहाँ पर आपको आएगा। आप चाहें तो गूगल से भी जा सकते हैं, ठीक है, इसमें अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उस सिचुएशन में आपको गूगल से जा सकते हैं, उस सिचुएशन में आपको क्रोम को एक्सेस देना पड़ेगा, मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा यार, क्योंकि यहाँ पर मैं सेटिंग्स आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, एंड सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर गूगल अकाउंट्स में जाना है, एंड यहाँ से अपने पूरे अकाउंट को स्कैनिंग मार देनी है, जीमेल साथ में इसके स्कैनिंग हो जाएंगे, अगर नहीं होते हैं तो आप इसे खोल कर स्कैन कर लीजिए, एंड यहाँ पर इसे स्कैन मार लीजिए, यहाँ पर स्कैनिंग पर हो रहा है और अपने जीमेल में स्कैनिंग मार लीजिए, उसके बाद आप यहाँ से बैक ला दीजिए, और यहाँ से बैक ला दीजिए और अपने जो है फिर जाइए आप ऐप्स में, मैनेज ऐप्स में जाइए और यहाँ पर जीमेल को सर्च कर लीजिए, आप ये चेक कर लीजिए कि इस पर इंटरनेट बंद तो नहीं हो रहा है, ये दोनों आप पर टिक लगे रहने चाहिए, एंड उसके बाद फोर्स स्टॉप कर दीजिए, और ये चेक कर लेना है आपको कि आपका इंटरनेट तो बंद नहीं है, ठीक है, आपको ये भी चेक कर लेना है, वो आप कहीं और सर्फ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एंड आपकी जो प्रॉब्लम होगी यहाँ पर फिर सॉल्व हो जाएगी, एंड आपका जो मेल है वो आपको वापसी मिल जाएगा, आप न्यू कोड के लिए अप्लाई ज़रूर कर दीजिए उसके बाद, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है इसका, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।